मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने पर सिंधिया का बड़ा बयान। शिवराज सिंह चौहान बने सीएम तो क्या बोले दिग्विजय सिंह। मध्य प्रदेश में एक बार फिर बीजेपी की सरकार है। 3 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज हो चुके शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को यानी 23 मार्च को एक बार फिर सीएम पद की शपथ ली। राजभवन में राज्यपाल लालजी टंडन ने शिवराज को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। शिवराज के मुख्यमंत्री बनने पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने अंदाज में बधाई दी है, तो वहीं दिग्विजय सिंह ने भी तंज कस दिया है। दरअसल शिवराज सिंह चौहान के शपथ लेते ही कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अपने एक ट्वीट में दिग्विजय ने लिखा, मध्य प्रदेश की जनता ने जिस मामा से मुक्ति के लिए जनादेश दिया, जिसके भ्रष्ट शासन को बदलने के लिए कांग्रेस को विश्वास दिया, बीजेपी ने धन बल और छल बल से उसी को पुनः मध्य प्रदेश की कमान सौंप दी। जनता सब देख रही है, वक्त आने पर जवाब लेगी। उधर कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद बधाई दी है। शिवराज सिंह चौहान के साथ अपनी फोटो को साझा करते हुए सिंधिया ने लिखा, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने और चौथी बार मुख्यमंत्री का पद संभालने पर शिवराज सिंह चौहान जी को हार्दिक बधाई। प्रदेश के विकास, प्रगति और उन्नति में मैं सदैव आपके साथ खड़ा हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके नेतृत्व में मध्य प्रदेश विकास के नए आयाम स्थापित करेगा। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया और कांग्रेस के 22 बागी विधायकों की मदद से सीएम पद की शपथ लेने वाले शिवराज ने भी एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा, जिन 22 पूर्व विधायकों ने अपनी पार्टी की सदस्यता त्याग कर बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है, मैं उन साथियों के प्रति आभार प्रकट करता हूँ और उन्हें धन्यवाद देता हूँ। मैं उन्हें आश्वस्त करता हूँ कि उनकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा और उनके विश्वास को कभी टूटने नहीं दूंगा। इतना ही नहीं, सिंधिया के बीजेपी में शामिल होने पर और साथ हैं शिवराज महाराज कहने वाले शिवराज ने शपथ के बाद उनका भी शुक्रिया अदा किया। अपने एक और ट्वीट में शिवराज ने लिखा, सिंधिया जी, मैं आपका हृदय से आभारी हूँ और आपका अभिनंदन करता हूँ। हम मध्य प्रदेश की प्रगति और विकास के लिए साथ मिलकर सदैव कार्य करते रहेंगे। आपको बता दें कि शिवराज ने भले ही कांग्रेस के बागियों के सहारे चौथी बार प्रदेश की कमान संभाल ली हो, मगर आने वाले दिनों में उनकी राहें आसान रहने वाली नहीं हैं। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। लाइक और शेयर करना ना भूलें। इंडिया न्यूज़ वारिल की रिपोर्ट।